अरे भाई हमारे पल्ले याद खड़े हो गए आपको देख के हमने। ओ भाई साहब ये कहाँ से आ गया एकदम से। ओ भाई साहब ये क्या आ गया कैमरे में सवेरे सवेरे। दो काम हो सकते या तो इसको जल्दी है या फिर इसको रेस लगानी मेरे से। हाँ तेज बने चलो क्यों हाँ नहीं रेस नहीं लगानी ऐसी। तो क्या हाल है भाइयों के। सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड दिस वीडियो इज डेली ऑब्जर्वेशन पार्ट 2 2 2 2 2 2 2। आई वांट टू ओवरटेक दिस बोलेरो बट ड्यू टू सम रीजंस आई कांट। लेट मी शो यू द रीजन। ऊपर दिख रहा है कुछ? ड्यू टू दिस रीजन दिख रहा है कुछ? पुलिस इज ही ट्राइंग टू रेस विद मी। भाई हमारे पल्ले याद खड़े हो गए आपको देख के हमने। ओ भाई साहब ये कहाँ से आ गया एकदम से। साहब जी या तो खुद चले जाओ या तो मेरे को जाने दो, कुछ तो कर लो। ओ भाई साहब ये क्या आ गया कैमरे में सवेरे सवेरे। आई होप तुमने देखा वो जो मैंने देख लिया है, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा मूड ख़राब हो जाएगा देख के इसको। भाई के पास हेलमेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से तो चला भाई, बट स्टिल हेलमेट इज़ नेसेसरी। अभी मैंने कर लिया वाइज़र बंद बिकॉज मेरे को लग रही थी बहुत ही ज़्यादा ठंड। वाह क्या राइमिंग है यार। मैंने कर लिया वाइज़र बंद क्योंकि मेरे को लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड। जय बगला मुखी माता। लेट मी टेल यू अबाउट दिस मंदिर। इस मंदिर का नाम है बगला मुखी मंदिर। ये हमारे यहाँ का हिमाचल का बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है, नॉट हिमाचल का, पूरे इंडिया का बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है। कहा ऐसा जाता है कि अगर आप यहाँ पे हवन कराते हो और जो भी आप मांगते हो ना, मतलब वो सच हो जाता है। अभी कपिल शर्मा कॉमेडियन हर कोई जानता होगा उसको, तो अभी उनका ना शो बंद हो गया था एकदम से, मतलब वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे हवन कराया था, और तो अब देखो उनका शो कैसा चल रहा है। और अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आपने उनके हाथों में देखा होगा, हर शो में पहनते हैं भाई वो, ये देखो ये येलो कलर का जो ब्रेसलेट टाइप है, ये माता की निशानी है कि आप यहाँ पे मंदिर में विजिट कर चुके हो। आप उनके हाथों में देखना एक बार ध्यान से, यही वाला होगा। अरे भाई देख ही नहीं रहे रोड क्रॉस करते टाइम, मेरे को इग्नोर ही कर दिया कि मैं भी आ रहा हूँ। वाओ भाई चांस अगर हम टच भी कर जाए ना तो हमको बोलते भाई देख के नहीं चला सकता, ये वो, गलती खुद की है। अभी मैंने ना हॉर्न भी दिया था भाई कि देखो थोड़ा, बट नहीं भाई ने देखने ही नहीं है, इग्नोर एकदम फकत। अरे भाई साहब यार ये क्या देख लिया मैंने सुबह सुबह। मेरा मन था वैसे उसको उठा के मैं साइड में रखूं, बट वो भैया आ रहे थे तो मैंने सोचा भैया को उठाने देता हूँ। बट भाई स्विफ्ट वाले के ऊपर मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। सो गाइस एक ना बहुत ज़रूरी बात थी मेरे को आपसे करनी थी। हम लोग क्या करते हैं इस दिवाली एक वेव चलाते हैं, मतलब जैसे कोई 100 रुपये के पटाखे लेता है ना, 100 रुपये का तो नहीं लेता होगा, उससे ज़्यादा लेता होगा हर कोई, बट स्टिल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 100 रुपये के लेता है तो उसका 10% 10 रुपये तुम पटाखों के बजाय ये जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं साइड में दिए वगैरह बेचते हैं इनके पास कुछ ले लो 10 रुपये का, मतलब तुम्हारे सिर्फ 10 रुपये जाएगा, बट उससे क्या होगा कि किसी के ना घर में, मतलब वो ना अच्छे से दिवाली मना पाएगा उस दिन, तो समझ रहे हो यार तुम, मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब 10% निकाल लो तुम इसका, तुम किसी के चेहरे पे स्माइल देख सकते हो, उसकी दिवाली बना सकते हो तुम यार। ऐसा ऐसा मौसम ही रहेगा, धूप भी हल्की हल्की, क्योंकि विंटर था इस टाइम तो धूप भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है यार, मतलब ये जो धूप होती है ना विंटर्स वाली इतनी सही लगती है ना, मतलब ना हमको गर्मी लगती है ऊपर से ठंड लगी होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस एरिया में क्या सीन है कि ये जो पेड़ है ना इससे ना धूप रुकी हुई है। अरे भाई भाई क्या हो गया, इससे ना धूप रुकी हुई है,
मतलब अगर इस एरिया को मैं क्रॉस कर लूँगा ना, उसके बाद सिर्फ धूप ही धूप है बस इस एरिया में। ठंड और इतनी ठंड लग रही है, मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको, बट बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक ठंड लग रही है इस एरिया में। कर रहा है ये भाई, भाई ये बच्चे 200 की पावर दिखा रहे हैं बस भाई को, क्या पता कि इतने R15 हैगी। जल्दी होगी शायद, इसको कोई दिक्कत नहीं है यार, अपन चलेंगे मजे मजे से। दिल्ली नंबर 1722 होंडा सिटी। क्या हो गया भाई मेरे, अरे भाई मेरे लिए रुका। इट्स R15 बिच। अरे कर क्या रहा है भाई, 2 काम हो सकते। ओ भाई 2 काम हो सकते, या तो इसको जल्दी है या फिर इसको रेस लगानी मेरे से। अरे हम शरीफ लोग, हम रेस वगैरह नहीं लगाते, भाई को कैसे बताऊं मैं कि ब्रो हम रैश प्रमोट नहीं करते नहीं। बट अभी जैसे इसने किया है ना, एक ओवरटेक बनता है यार इसका। एक बनता था यार, क्योंकि जिस हिसाब से इसने शो ऑफ करा है ना, अपना शो ऑफ भी बनता है यार। ये काम है किसी से सबसे ज़्यादा तो ये यार। Why is he doing this? ओ भाई साहब क्या कॉर्नर कर रहा है ये। HP 40 कांगड़ा का नंबर ये यार। ओ यार तभी मैं भी कांगड़ा का, ये भी कांगड़ा का तो हीरो बन रहे हैं। Usually I don't promote rash, but यार ये वाला भाई ना कुछ ज़्यादा ही चैलेंज कर रहा है। क्या हो गया भाई, हाथ क्यों दिखा रहा है यार? भाई मैं रेस नहीं कर रहा हूँ यार, क्यों कर रहा है ऐसे? Why? अभी इसको पूछता हूँ यार क्यों, मतलब क्या दिक्कत होगी? क्या हो गया, क्या हो गया? आप तेज बड़े चले हो क्यों? हाँ नहीं, रेस नहीं लगानी ऐसी। अरे मैं रेस नहीं लगाता, वो क्या है कैमरा है ना, मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो रेस वगैरह नहीं, छोटी सी रेस भी नहीं यार। नहीं नहीं डर गया, हाँ डर गया। आप भी ना आराम से चलो, आराम से, बहुत रेस चले हो। मेरा राइडर फ्रॉम हिल्स, आपकी वीडियो डालूंगा और लोग देखेंगे कितना रेस चल रहे हो आप। आराम से चलो, आराम से, जिंदगी प्यारी भाई। चलो फिर मिलते हैं। गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे? ये भाई कांगड़ा की मेन सड़क है। वाह 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 सर। ओ भाई साहब बहुत क्लोज था ये बंदा।
जब तुमको बाएं से रास्ता ना मिले तो तुम दाएं में रास्ता बनाओ। वाह वाह वाह, ट्रैफिक से निकलने की निंजा टेक्निक, खुद का रास्ता बनाओ। सो गाइस, ट्रैफिक में फंसे हुए इसी के साथ आपसे लेना चाहूँगा मैं विदा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। भाई पसंद आई है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और भाई यार साइड दे दे यार। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में।